friends, welcome in Age Study YouTube channel powered by SRIVASTAVA CLASSES. आज हम लोग ना rotational mechanics में एक बहुत ही छोटा सा topic है, लेकिन है काफी ही important, जिसमें आपको किसी particular body पे अगर आप force लगाते हैं, तो उस force की वजह से body दो तरीके से किसी rough surface पे behave कर सकता है। एक ऐसा हो सकता है कि आपकी force लगाने से वो body जो है rough surface पे slide करना start कर दे, या फिर आपके फोर्स एप्लीकेशन से बॉडी रफ सरफेस पे स्लाइड करने की बजाय एक एंड के अबाउट में रोटेट करना स्टार्ट कर दे। अगर कोई बॉडी किसी एक एंड के अबाउट में रोटेट करना स्टार्ट कर देता है ना, तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड टॉपलिंग। इसी टॉपलिंग फेनोमेनन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जब कभी भी किसी पर्टिकुलर बॉडी को आप किसी स्मूथ सर्फेस और किसी रफ सर्फेस पे रखते हैं और उस पर आप फोर्स लगाते हैं, तो स्मूथ सरफेस पे 100% और हमेशा यही होता है कि जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी विल स्टार्ट मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन रफ सरफेस पे अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स का दो इफेक्ट जनरेट हो सकता है। या तो उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन शो करने लगे ऑन दैट सर्फेस, या फिर बॉडी किसी एक पॉइंट के अबाउट में रोटेट करना स्टार्ट कर दे। जैसे देखिए आप इस बेसिक फेनोमेनन को यहां समझिए। आप मान लीजिए जैसे आपके पास कोई एक स्मूथ सरफेस है, दिस इज स्मूथ सरफेस, और इस स्मूथ सरफेस पे आप कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके रखे। आपके इस फोर्स के एप्लीकेशन से ये बॉडी जो है वो राइट की तरफ अपना मोशन स्टार्ट करेगी, बिकॉज तुम्हारे फोर्स को अपोज करने वाला कोई एक कोई सरफेस में फोर्स है नहीं, तो आपके अप्लाइड फोर्स के इन्फ्लुएंस में बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। लेकिन आपके पास अगर कोई एक रफ सरफेस है और आप इस पे कोई एक अप्लाइड फोर्स लगा के रखे हैं, तो बॉडी दो तरह से जा सकते, या तो ये बॉडी तुम्हारे राइट की तरफ मोशन शो करे दिस, और ये इस पॉइंट के अबाउट में घूमना स्टार्ट करे। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड टॉपलिंग। देखिए दोनों एक साथ नहीं होता है, दोनों एक साथ फेनोमेनन एक साथ नहीं होता है। या तो बॉडी टॉपल करता है या फिर बॉडी ट्रांसलेट करना स्टार्ट करता है। हम लोग आज ये सारा कंडीशन डिस्कस करेंगे कि किस केस में बॉडी टॉपल करता है और किस केस में ट्रांसलेट करता है। दोनों फेनोमेनन एक साथ नहीं होता है। अभी जरा इस चीज को आप बेसिक से आप स्टार्ट करिए। मान लो आप किसी रफ सरफेस पे आप एक ब्लॉक को रखे हैं और अभी आपके पास नो एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नो एक्सटर्नल फोर्स अलोंग प्लेन के डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ऐसे केस में 100% नेसेसरी है कि सेंटर पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम करेगा और एमजी नीचे काम करेगा। एग्जैक्टली इस बॉडी के सेंटर पे नॉर्मल रिएक्शन बॉडी का सरफेस का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ काम करता है और इस बॉडी का अपना एमजी जो है वो नीचे की तरफ सर्व करता है। लेकिन जैसे ही आप इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अलोंग प्लेन इज अप्लाइड। आप जब कोई एक्सटर्नल फोर्स इस प्लेन के अलोंग में अप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए आप एक फोर्स यहां पे लगा दिए, ये फोर्स, रिमेंबर दैट इसका एमजी नीचे ही रहेगा, एमजी नीचे रहेगा, बॉडी के सेंटर पे एमजी का लाइन ऑफ एक्शन आप ड्रॉ करेंगे। लेकिन इस केस में जो इस बॉडी का नॉर्मल होता है नीचे वाले सरफेस के साथ जो नॉर्मल रिएक्शन, वो थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट करता है। मान लो जैसे आपके पास जो बॉडी है उसका बेस है, उसका बेस का विड्थ है बी, अभी आपके अप्लाइड फोर्स की वजह से नॉर्मल अपने आप को एडजस्ट कर लिया है बाय एक्स डिस्टेंस। अगर हमारे पास
अप्लाइड फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन एग्जैक्टली सेंटर से नहीं गुजरता, उसको आप किसी भी जगह पर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे आपके पास ये एक सरफेस है और उस पर एक बॉडी है। अगर आप इस बॉडी को इस सरफेस पे रखे हैं तो इसका नॉर्मल का सेंटर से पास होना और mg नीचे। लेकिन अगर आप इसको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, सपोज ऐसे आप इस फिगर के हिसाब से जाइए, अगर आप इसको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो अभी इसका नॉर्मल सेंटर से जाने के बजाय थोड़ा राइट में शिफ्ट कर गया। अभी आप जैसे जैसे इस फोर्स को बढ़ाएंगे ना, जो नॉर्मल सेंटर से जाना चाहिए था वो थोड़ा और दूर जाएगा, थोड़ा और फोर्स बढ़ाइएगा ये थोड़ा और दूर जाएगा, थोड़ा और फोर्स बढ़ाइएगा ये थोड़ा और दूर जाएगा। मतलब एज योर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स विल गोज ऑन इंक्रीजिंग, नॉर्मल रिएक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा। ठीक है, देखो इफ एफ एक्सटर्नल इंक्रीजेस एक्स will increase, but ध्यान रखा जाए कि normal का magnitude तो यहाँ हमेशा mg है, लेकिन x के increase करने के साथ x लगातार लगातार बढ़ रहा है, ultimately एक point ऐसा reach करेगा after some increase of f we have मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। व्हाट इज कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस? आप लगातार एफ को बढ़ाते जाइए, आपका नॉर्मल जो पहले सेंटर से जा रहा था थोड़ा और दूर से जाएगा। आप थोड़ा और एफ बढ़ाइएगा, नॉर्मल थोड़ा और दूर एडजस्ट कर जाएगा। आप थोड़ा और एफ बढ़ाएंगे, नॉर्मल और दूर एडजस्ट कर जाएगा। अल्टीमेटली नॉर्मल का फाइनल एडजस्टमेंट इस एंड तक हो सकता है, अब वो बॉडी से बाहर नहीं निकल सकता है। मतलब ये है कि एक केस ऐसा आएगा कि आपके एक सर्टेन एफ वैल्यू की वजह से इस बॉडी का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इसके लास्ट एंड से पास करने लगेगा। दिस इज मैक्सिमम एडजस्टमेंट इन एक्स, ये एक्स का मैक्सिमम एडजस्टमेंट है। और तुम्हारे इस डाटा के हिसाब से बिकॉज आप बेस का विड्थ बी लेके चले हैं तो क्या वो अभी बी बाई टू है? सपोज जैसे आपका फोर्स नीचे से एच हाइट ऊपर लग रहा है, आपका फोर्स नीचे से एच हाइट ऊपर लग रहा है, इस पूरे फेनोमेनन में जब आप इसको राइट की तरफ पुश कर रहे हैं और आप फेनोमेनन अल्टीमेटली किसी रफ सरफेस पे कैरी कर रहे हैं, जैसा शुरुआत में बोल दिया गया था कि किसी भी स्मूथ सरफेस पे टॉपिंग नहीं होगा, स्मूथ सरफेस बॉडी विल नेवर टॉपल, बॉडी टॉपल नहीं करेगा, स्मूथ सरफेस पे बॉडी का टॉपिंग नहीं होगा, हमेशा आपके पास एक रफ सरफेस होना चाहिए एंड ड्यू टू दैट रफनेस ऑफ द सरफेस there is always a frictional force in this direction, there is always a frictional force in this direction parallel to the surface, this is friction। now agar aap gaur karo to toppling ka jo condition aap derive karne ja rahe ho usme body jo hai wo is point ke about pe just going to rotate, theek hai, is point ke about pe body rotate kar sakta hai। अगर आप बॉडी के टॉपलिंग होने के लिए जस्ट लिमिटिंग केस डिराइव करना चाहते हैं कंडीशन फॉर टॉपलिंग, हमेशा ध्यान रखना कि इस पॉइंट को आप एक नाम दे लो, सपोज ओ पॉइंट, बॉडी ओ पॉइंट के अबाउट में टॉपल करेगा, बॉडी ओ पॉइंट के अबाउट में टॉपल करेगा। कंडीशन फॉर टॉपलिंग, टॉर्क clockwise should be torque anti-clockwise about O, O point के about में torque clockwise और torque anti-clockwise बराबर होना चाहिए। या ऐसा मान लो
कि टॉपलिंग होगा या नहीं होगा इसके बेसिस पे ग्रेटर देन और लेस देन का वैल्यू आप लिख सकते हैं। जैसे इफ यू रिक्वायर्ड, आप जोर गौर करो, ओ पॉइंट के अबाउट में नॉर्मल का टॉर्क जीरो, इस फ्रिक्शन का टॉर्क भी जीरो, ओ पॉइंट के अबाउट में तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क है क्लॉकवाइज और ओ पॉइंट के अबाउट में एमजी का टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज। अगर ओ पॉइंट के अबाउट में फोर्स एक्सटर्नल का टॉर्क जो क्लॉकवाइज है अगर स्लाइटली ग्रेटर हुआ एमजी के टॉर्क से तो बॉडी विल टॉपल, और अगर एमजी का टॉर्क ओ पॉइंट के अबाउट में फोर्स से बड़ा हुआ तो बॉडी विल नॉट टॉपल। सो दिस इज द लिमिटिंग केस। अगर आप चाहते हैं कि बॉडी विल टॉपल देन टॉर्क क्लॉकवाइज जो एफ एक्सटर्नल का है दिस शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन और एटलीस्ट इक्वल्स टू टॉर्क ऑफ एमजी, लिमिटिंग कंडीशन फॉर टॉपलिंग। अगर बात ओ पॉइंट के अबाउट में फोर्स के टॉर्क के लिए फोर्स लिए आप और परपेंडिकुलर डिस्टेंस h से मल्टीप्लाई, फोर्स का ये रहा लाइन ऑफ एक्शन g और ओ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस h के बराबर है, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mg एंड mg के लाइन ऑफ एक्शन का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है b / 2। मतलब आप ऐसा मान लो कि f into h शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mg b / 2, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो हम लोगों का h वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mg b / 2f। एक्चुअली आपके पास दो तीन चीजें हैं, ये चीज ये केस आपको बताता है कि आपके अप्लाइड फोर्स का वैल्यू अगर आप कांस्टेंट रखते हैं तो एक सर्टेन हाइट पे अप्लाइड फोर्स लगाने से बॉडी विल स्टार्ट टॉपल एंड दैट पर्टिकुलर हाइट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन विड्थ। अगर विड्थ ज्यादा होगा तो ज्यादा हाइट पे फोर्स लगाना पड़ेगा और अगर विड्थ कम होगा तो आपको कम हाइट पे फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे आप इसको है ना आप इस एग्जांपल में समझिए कि मान लीजिए जैसे हम इस पर्टिकुलर डस्टर को है ना ऐसे रख दे, ये केस, अगर हम कम हाइट पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी टॉपल नहीं करता। अगर आपका एच वैल्यू एम जी बी बाई टू एफ से बड़ा है तभी टॉपल होगा। अगर हम हाइट को कम रखें, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो बॉडी टॉपल करने के बजाय स्लाइड करेगा। अगर हम लोग हाइट थोड़ा और बढ़ा दे तो बॉडी इज स्टिल स्लाइडिंग ऑन द सरफेस। चलो अगला केस, अगर हम हाइट को थोड़ा और ज्यादा ले लें तो अब देखो आपके पास केस बनता है कि बॉडी विल स्टार्ट मूविंग अराउंड दैट कॉर्नर, उस पॉइंट के अबाउट में घूमना स्टार्ट किया। कम से कम आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है देन ओनली बॉडी विल स्टार्ट टॉपल। अदरवाइज अगर आपके अप्लाइड फोर्स का हाइट इस लिमिटिंग केस से कम हाइट पे है तो बॉडी टॉपल नहीं करता, उसकी जगह स्लाइड करना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब जरा आगे अगर इफ एच इज फिक्स्ड, मान लीजिए आप बोलते हैं कि नहीं बॉडी पे हम जो फोर्स लगाएंगे वो इतने ही हाइट पे लगाएंगे नीचे से, तो आपको एक फोर्स निकालना पड़ता है। सो एफ शुड बी, यहां से आ जाओ, एफ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम जी बी बाई टू एच, तो आपको कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ता है देन बॉडी विल स्टार्ट स्ट्रगल। अगर आप हाइट फिक्स रखे हैं, अगर आप फोर्स फिक्स रखते हैं तो आपको हाइट को एडजस्ट करना पड़ता है, और अगर आप हाइट फिक्स रखे तो आपको फोर्स को लगातार बढ़ाना होता है। जब आप फोर्स को लगातार बढ़ाते हैं ना, अगर आपका अप्लाइड फोर्स mg b / 2h से बड़ा है देन बॉडी विल स्टार्ट स्टॉपिंग। लेकिन फोर्स को बढ़ाने में एक खतरा और है कि आपके अप्लाइड फोर्स का वैल्यू कहीं लिमिटिंग फ्रिक्शन को ना एक्सीड कर जाए, बिकॉज वंस योर अप्लाइड फोर्स शुड बी ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर आपका अप्लाइड फोर्स उस सरफेस के लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो बॉडी टॉपल करने के बजाय स्टार्ट स्लाइडिंग, बॉडी जो स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। तो चलो अब दूसरा देखते हैं। अगर कुछ ऐसा हो
if f is greater than friction maximum, then body will slide. So to prevent sliding, अगर आप चाहते हैं कि बॉडी स्लाइड ना करे, तो आपका अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से कम ही होना चाहिए या एटलीस्ट इक्वल. तो आपके अप्लाइड फोर्स का वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू मी वन. कैन वी राइट दैट अप्लाइड फोर्स शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू मी वन जी. Applied force should be less than or equals to mu mg. अब आप वर्क करो. अगर आपके पास ये दोनों केस एक साथ सेटिस्फाई हो, मतलब आपके अप्लाइड फोर्स का वैल्यू mu mg से छोटा या एटलीस्ट उसके बराबर हो, और एट द सेम टाइम आपका अप्लाइड फोर्स mgb by 2h से बड़ा हो, तभी ये केस होता है कि स्लाइड नहीं करेगा और टॉपल करेगा. ऐसे सिचुएशन में अब आपको आगे का इसका ना सारा कंडीशन है ना एक बार देखना पड़ता है, ठीक है. सो अभी तक के डिस्कशन में फॉर टॉपलिंग, अगर हम लोग चाहते हैं कि बॉडी हम लोगों का टॉपल करे, तो उसके लिए कंडीशन आया था कि हाइट शुड हैव टू फॉलो दिस रिलेशन mgb by 2f. And F should be greater than or equals to mgb by 2h, and also F should be less than or equals to mu h. Height का relation ये रहा कि अगर आपका force applied है तो आपको पता चलेगा कि किस height पे आपके उस force के application से body will topple. अगर आपके पास हाइट फिक्स्ड है तो आपको इसी क्वेश्चन से पता चलेगा कि कितना फोर्स अप्लाई करने से बॉडी विल टॉपल. बट एट द सेम टाइम फोर्स में दो चीज होना चाहिए, एक तो फोर्स आपका mgb by 2h से बड़ा या एटलीस्ट बराबर हो, और दूसरा तुम्हारा ये फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के वैल्यू से कम हो. क्योंकि अगर ये केस दोनों एक साथ सेटिस्फाई करता है बोथ, देन ओनली बॉडी विल टॉपल, तब आपका बॉडी जो है वो टॉपल करेगा. लेकिन अगर ऐसा हो, बट इफ आपका अप्लाइड फोर्स म्यू एमजी से बड़ा हो, मतलब अगर आपका अप्लाइड फोर्स म्यू एमजी से बड़ा हो, तो याद रखना कि इस केस में बॉडी टॉपल करने की बजाय स्लिप करना स्टार्ट कर देता है, देन बॉडी स्टार्ट स्लिपिंग. बॉडी टॉपल करने की बजाय है ना स्लिप करना स्टार्ट करता है. तो आपको ये दो तीन कंडीशन एकदम दिमाग में कॉन्सेप्ट वाइज बैठा लेना है. टॉपल करने के लिए अगर अप्लाइड फोर्स एक सर्टेन हाइट पे लग रहा है, तो आपको कम से कम इतना हाइट चाहिए होगा कॉन्स्टेंट फोर्स के लिए, तब बॉडी टॉपल करेगा. अगर आप हाइट को फिक्स रखे हैं, तो आपका फोर्स mgb by 2h से बड़ा या एटलीस्ट बराबर होना चाहिए, और अल्टीमेटली एट द सेम टाइम वो mu mg से छोटा भी होना चाहिए, ठीक है. तो इस सिचुएशन में आपका बॉडी टॉपल करता है. लेकिन अगर आपका अप्लाइड फोर्स mu mg से बड़ा हो जाए, देन रिमेंबर दैट कि उस समय बॉडी का स्लिपिंग स्टार्ट हो जाता है, वो टॉपल नहीं करता, ठीक है. जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास एक छोटा सा एक सिचुएशन लेकर चलते हैं. एक क्वेश्चन ऐसा, आपके पास ये एक बॉडी, इसका बेस का डायमेंशन है a, आप एक फोर्स इस पे अप्लाई करके रखे हैं f, ठीक है. कितने हाइट पे आप इस फोर्स को अप्लाई करके रखे हैं, सपोज 3a by 4 हाइट पे,
3a/4 height पे जिस सरफेस को आप यूज कर रहे हैं उसका फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है, मान लो आप 4/5 फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है 4/5, इस ब्लॉक का मास है m। अभी आपको पता करना है फाइंड बॉडी विल टॉपल और स्लाइड, बॉडी टॉपल करेगा कि स्लाइड करेगा आपको ये फाइंड आउट करना है। अभी आप क्या करो, आपका जो डायग्राम बनता है उस डायग्राम के हिसाब से आप थोड़ा बेसिक को फिर से एक बार ड्रॉ कर लो कि चलो ठीक है राइट में अप्लाइड फोर्स है, फ्रिक्शन चला लेफ्ट की तरफ लग रहा है, इसका mg है नीचे की तरफ और टॉपलिंग का जो लिमिटिंग केस होता है उसमें नॉर्मल रिएक्शन इन से गुजरता है, ये रहा आपका नॉर्मल। इस पॉइंट के अबाउट में टॉपलिंग के लिए हम लोगों ने लिमिटिंग केस को एंड चेकिंग करेंगे, ओ पॉइंट के अबाउट में इफ टॉपलिंग टेक्स प्लेस इट ऑलवेज टेक्स प्लेस अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, अभी आप गौर करो कि मान के चलते हैं कि टॉपलिंग का लिमिटिंग केस है, फॉर टॉपलिंग क्या होना चाहिए, फॉर टॉपलिंग जो भी टॉर्क क्लॉकवाइज है और जो भी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है अबाउट ओ दैट मस्ट बी इक्वल। तो क्लॉकवाइज टॉर्क हमारा ओ पॉइंट के अबाउट में एफ क्रिएट कर रहा है एंड द टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3a/4 और mg का टॉर्क होगा हम लोगों का mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज a/2। So, your applied force necessary for toppling is A से A cancel यहाँ पे, इससे A कटा 2 times. So, applied force for required to be toppling is 2mg/3. This is force required for toppling. चलो ये हम लोग toppling, अगर body का toppling होना है तो कम से कम इतना force आपको चाहिए होगा 2mg/3। बट एट द सेम टाइम आपको यह भी चेक करना होगा कि कहीं बॉडी टॉपल करने के पहले स्लाइड तो नहीं कर रहा है, जस्ट चेक दैट। फॉर दैट फ्रिक्शन मैक्सिमम कैन बी राइट दैट म्यू एम जी एंड द फ्रिक्शनल मैक्सिमम इज म्यू का वैल्यू आपके पास 4/5 एंड एम जी, it is nothing else but simply 0.8 mg, ये friction का maximum है। at the same time जो तुम्हारा force है this one is 0.66 mg, अगर अपने से दिमाग लगाओ तुम्हारा force है 0.66 mg और friction का maximum है 0.8 mg, मतलब तुम्हारा जो applied force है वो friction के maximum value से कम है। So this will satisfy the condition for toppling. Since F is less than friction maximum, so body will not slide. Body slide nahin karega. Body will topple. Body will topple. तुम्हारा बॉडी जो है वो टॉपल करेगा, बॉडी उसकी जगह पर स्लाइड नहीं करेगा। तो जब हमारे पास केस दिया रहता है ना कि आपके पास डाटा दिया है कि आपका फोर्स इतने ही पे लगना है जी, आपके पास म्यू इतना दिया है, तो वैसे केस में हम लोग है ना ये डिराइव करके देख सकते हैं कि आखिर टॉपलिंग के लिए कितना फोर्स चाहिए और सरफेस में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है। जब हम लोग दोनों वैल्यू निकाल लेंगे अपने आप हमारे पास एक कंडीशन आएगा जो बताएगा कि आउट ऑफ दीज 3 कंडीशंस और 4 हम लोग किस कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसी हिसाब से हमारा आंसर होता है। जैसे अभी हम लोग सिचुएशन डिराइव किए तो उसके केस में फ्रिक्शन मैक्सिमम का वैल्यू बड़ा है कंपैरिजन टू योर फ्रिक्शन फोर्स व्हिच इज अप्लाइड, दैट्स व्हाई बॉडी विल टॉपल नॉट स्लाइड। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल पे हम लोग काम कर लेते हैं। आपके पास एक फिगर डायग्राम आपके सामने बना दिया गया है जिसमें आपके पास एक रफ इंक्लाइंड सरफेस है, रफ इंक्लाइन सरफेस है जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है और इस रफ इंक्लाइन सरफेस पे एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट जिसका हाइट h है और जिसका रेडियस r है, जिसका रेडियस r है। जब आप उस इंक्लाइन सरफेस के ऊपर, मान लो जैसे ये इंक्लाइन सरफेस है
और इस इंक्लाइन सरफेस पे आप किसी एक सिलिंड्रिकल बॉडी को रखते हैं, तो देयर इज 2-3 केस। जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये स्लाइड कर सकता है नीचे, या फिर ये टॉपल कर सकता है। आप जब इसको छोड़ेंगे तो आइदर इट विल स्लाइड और इट विल टॉपल। हम लोग को कंडीशन डिराइव करना है कि किस सिचुएशन में यहां पे टॉपलिंग होगा और किस सिचुएशन में दैट सिलेंडर विल स्लाइड। ठीक है, चलो जरा देखते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। आप देखो ध्यान से, देखो जैसे इसका सेंटर, इस सेंटर पे नीचे की तरफ काम करेगा इसका mg sin थीटा। ये रहा इसका अपना फोर्स mg। अब इस mg का एक कंपोनेंट इधर आ गया आपका mg का cos थीटा, और ऐसा पीछे की तरफ काम करेगा फ्रिक्शन, पीछे की तरफ काम करेगा फ्रिक्शन। अब आप ऐसा मान लो कि कंडीशन ऑफ टॉपलिंग यहां पे सेटिस्फाइड है। अगर कंडीशन ऑफ टॉपलिंग होगा तो आप सोच के बताओ किसका नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से जाएगा, लेफ्ट एंड से जाएगा या राइट एंड से जाएगा। ऑब्वियसली ये टॉपल करेगा तो इस एंड के अबाउट में घूमेगा, तो इसका सेंटर के बजाय इसका नॉर्मल इस पॉइंट से पास होगा, लाइक दैट। ठीक है, हम लोग ऐसा मान के चलते, हम लोग दो केस लेके चलते हैं। ठीक है, जरा गौर करना। फॉर टॉपलिंग, आप मान के चलो कि टॉपलिंग होगा। अगर ये बॉडी टॉपल किया तो इस पॉइंट ओ के अबाउट में, ओ के अबाउट में बॉडी, ओ के अबाउट में जो हमारे एमजी साइन थीटा का टॉर्क है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहता है, जबकि mg cos थीटा का जो टॉर्क है वो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहता है। फॉर टॉपलिंग रिमेंबर दैट कि टॉर्क ऑफ mg sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ mg cos थीटा अबाउट ओ। फिर से देख लीजिए जी, अगर आप चाहते हैं कि ये सिस्टम टॉपल करे तो इस पॉइंट के अबाउट में mg sin थीटा का जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है और mg cos थीटा का जो क्लॉकवाइज टॉर्क है, उस पे mg sin थीटा का टॉर्क बड़ा होना चाहिए, तभी ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट पे घूमेगा। ठीक है, अभी यहां से mg sin थीटा, चलो जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस h by 2 है पूरे हाइट का हाफ। h by 2 should be greater than mg cos theta। अब mg cos theta का आप यहां से perpendicular distance देखो, क्या वो radius of the cylinder है r, दोनों तरफ mg cancel, sin theta h by 2 should be greater than cos theta and r। cos theta को इधर ले आओ तो sin theta by cos theta हम लोग का हो गया tan theta, that tan theta should be greater than 2r by h। मतलब अगर tan थीटा 2r by h से बड़ा है, अगर tan थीटा 2r by h से बड़ा है तो बॉडी विल टॉपल। हम लोग अब दूसरे के में जाएंगे, व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्लाइडिंग। फॉर स्लाइडिंग बॉडी स्लाइड कब करेगा? बॉडी स्लाइड उसी समय करेगा जब mg sin थीटा का वैल्यू फ्रिक्शन के मैक्सिमम से बड़ा हो जाए। जो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, अगर आपका mg sin theta इस फ्रिक्शन के मैक्सिमम से बड़ा होगा तो बॉडी विल स्लाइड डाउन। सो यू हैव mg sin theta शुड बी ग्रेटर देन म्यू n, कैन वी राइट दैट mg sin theta इज ग्रेटर देन म्यू mg cos theta। दोनों तरफ mg कैंसिल करो, sin theta by cos theta, द कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग इज tan theta is greater than mu। Now you have two conditions। अगर आप चाहते हैं कि बॉडी टॉपल करे तो tan theta should be greater than 2r by h,
और अगर आप चाहते हैं कि बॉडी स्लाइड करे तो tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू। अब आपके पास दो चीजें उसको मिलाइए, आप सोचिए अगर ऐसा हो कि म्यू इज लेस देन 2r/h, म्यू इज लेस देन 2r/h, म्यू कम होने का मतलब है कि आपके फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू रिड्यूस कर गया। इसका मतलब mg sin थीटा फ्रिक्शन मैक्सिमम से ज्यादा है एंड बॉडी विल स्टार्ट स्लाइडिंग। सो बॉडी विल स्लाइड, बॉडी स्लाइड करेगा। मतलब अगर आपका फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट 2r/h से छोटा हो गया तो फ्रिक्शन कम हो गया और mg sin थीटा बॉडी को स्लाइड कराने लगेगा तो उस समय टॉपलिंग नहीं होगा एंड बॉडी विल स्टार्ट स्लाइडिंग। क्लियर? तो इसका रिवर्स सोचो, इसका रिवर्स सोचो कि अगर म्यू बड़ा होता है 2r/h से, अगर आपका म्यू बड़ा होता है 2r/h से, देन सिलेंडर विल टॉपल, देन सिलेंडर विल टॉपल। मतलब ऐसे केस में तुम्हारा फ्रिक्शन इज सो मच सफिशियंट, फ्रिक्शन सफिशियंट है कि वो उसको स्लाइड नहीं करने देगा, तो वैसे केस में mg sin थीटा इस पॉइंट के अबाउट में इसको घुमाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो दो चीज समझिए, अगर आपका mg sin थीटा फ्रिक्शन के मैक्सिमम से बड़ा हो गया तो बॉडी स्लाइड करेगा, और अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम mg sin थीटा से बड़ा है तो स्लाइड नहीं करेगा, बट अगर हम लोग ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो बॉडी विल स्टार्ट टॉपलिंग। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ टॉपलिंग। एक एक लाइन को अच्छे से समझना पड़ता है, इसमें एक सिंपल सा कंक्लूजन आप ऐसे सोच सकते हैं कि कोई भी रफ सरफेस पे अगर आप बॉडी रखे हैं और उस पर आप एक फोर्स को प्लेन के पैरेलल अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में दो चीज हो सकता है, या तो बॉडी स्लाइड करेगा उस सरफेस पे, या फिर बॉडी किसी एक पॉइंट के अबाउट में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अगर हम लिमिटिंग केस लें तो एक ऐसा सिचुएशन अराइज होता है जिसमें नॉर्मल अपने आप को एक एंड पे, बॉडी के एक एंड पे एडजस्ट कर देता है और उस केस में बॉडी अपने आप को टॉपल करना स्टार्ट करता है। दिस इज द केस ऑफ टॉपलिंग। ठीक है, थैंक यू।